हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आबिदास किचन। तो फ्रेंड्स, विंटर आ गई है और विंटर में जो एक चीज़ हम सबको बहुत पसंद आती है वो होती है कॉफ़ी। तो आपने मैकडॉनल्ड में तो कैपेचिनो बहुत बार पी होगी, लेकिन आज हम वही कैपेचिनो बनाएंगे घर पर। और इसे आप बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसे आप आराम से एक दो हफ्ते तक पी सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डालेंगे। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 चम्मच। और इसमें ये 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप चीनी को प्लीज़ पीस के डालिएगा, क्योंकि मोटी मोटी चीनी ना घुलने में थोड़ा टाइम लगा देती है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे हॉट वाटर। बिल्कुल गर्म पानी डाला है मैंने यहाँ पे, तो 3 चम्मच हम गर्म पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं हैंड ब्लेंडर ले रही हूँ, इसे हम ब्लेंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसे फर्स्ट पे रखेंगे, इसकी स्पीड को मिक्स करेंगे और हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। हमें इसे टोटल 5 मिनट तक ब्लेंड करना है, जब तक इसका कलर जो है ब्राउन से लाइट ना हो जाए, बिल्कुल लाइट वाइट जैसा दिखने लगेगा, हमें इसे तब तक ब्लेंड करना है। देखिए, 5 मिनट बाद हमारी कॉफ़ी ऐसी हो गई है, बिल्कुल थिक। तो इसी कंडीशन में हमें इसे रखना है। इसे हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसे हम बॉइल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मग ले लिया है और इसमें हम 1 चम्मच अपनी कॉफ़ी को ऐड करेंगे। आपको अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। और ये दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे गर्मा गर्म अपना, और हमें बिल्कुल आराम से कॉफ़ी को फेंटना है। तो इसमें जो झाग है वो ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा, देखेंगे आप, ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका, देखिए। तो लीजिए, हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो आप भी इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।